हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स का लेक्चर नंबर 7। इसमें हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देर किए हुए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए फटाफट से समझ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे 6 पॉइंट हैं, इन 6 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट से यहाँ एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। स्टेट, पहला पॉइंट है हमारा स्टेट। स्टेट कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की या 3 टाइप्स की, ठीक है। कौन कौन सी? देखो, पहली होती है गैस, दूसरी होती है लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। अब यहाँ पे डाउट हम लोगों को ये है कि हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में रहेंगी या लिक्विड में या गैस स्टेट में, किस में रहेंगी या कौन सा मॉलिक्यूल किस में रहेगा, ठीक है। तो देखो, डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे सारा खेल क्या है, मॉलिक्यूलर वेट का सारा खेल है। इन कुछ पॉइंट्स जो हैं 6 में से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट पे, ठीक है। सारा खेल यही है। अब मॉलिक्यूलर वेट को समझ लो तो सारे पॉइंट आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चीज़ों को नोट करते चलो, मैं मिटा भी देता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है। अब देखो यहाँ पर स्टेट डिपेंड ऑन द मॉलिकुलर वेट। इसकी स्टेट जो है वो डिपेंड करती है मॉलिकुलर वेट पे। मॉलिकुलर वेट कैसे पता लगेगा हम लोगों को, कौन से मॉलिक्यूल का ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसी मॉलिक्यूल की या हेलो एल्किन्स के बारे में, तो यहाँ पे एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक कार्बन है तो इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 2 कार्बन हैं और तो इसकी इससे ज़्यादा होगी, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है इससे कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ठीक है। अगर वही यहाँ पे 3 कार्बन होते, ठीक है, 3 कार्बन होते तो इन सबसे ज़्यादा होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग समझ सकते हैं कि हेलोजन ग्रुप से अगर कार्बन की चेन जो है वो ज़्यादा लेंथी या ज़्यादा लंबी जुड़ी हुई होगी तो उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपके समझ में आई होगी बात मॉलिक्यूलर वेट की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस वाले मॉलिक्यूल के बारे में, तो इसकी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है। तो ये कौन सा कंपाउंड है? मिथाइल हैलाइड, या अगर यहाँ पे कोई क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दो तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए देता हूँ कि जो गैस स्टेट में जो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे लिख दूँ, चलो ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ। गैस में जो फॉर्म करते हैं वो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, CH3CH2Cl, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? गैसियस फॉर्म में रहते हैं या गैसियस स्टेट में रहते हैं। अगर मान लो इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो ये इनकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बेंजीन का एग्ज़ाम्पल दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक बेंजीन रिंग ले लेता हूँ, ठीक है, मान लो ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बताओ? ज़्यादा होगा या कम होगा? ये कौन से स्टेट में जाएगा, सॉलिड में या लिक्विड में या फिर गैसियस में, बताओ? ये देखो यहाँ पे कार्बन काउंट करो, 6 कार्बन इसमें है, 6 कार्बन है और 5H हैं, ठीक है, 5 हाइड्रोजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा है। ये गैसियस स्टेट में कभी भी फॉर्म नहीं होता, गैसियस स्टेट में कभी भी नहीं आएगा ये, ठीक है।
और ये हमेशा आपको देखने को मिलेंगे लिक्विड या फिर सॉलिड में, ठीक है? आपको काहे में देखने को मिलेंगे लिक्विड या सॉलिड में, ठीक है? तो पहला पॉइंट समझ गए होगे, ठीक है? और इसको नोट भी कर लो, और अच्छे से अगर नोट करोगे तो आपको बार बार लेक्चर जो है वो देखना नहीं पड़ेगा, अपनी कॉपी उठाओगे और रिवीजन कर लोगे, ठीक है? अब देखो कलर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है? कलरलेस होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, यानी कि गैस स्टेट वाले, वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है? अगर मान लो इनको हम लोग लाइट में रखें, अगर इन पे कोई लाइट डालें, ठीक है, या इनको लाइट की प्रेजेंस में अगर हम लोग रख दें तो इनका कलर जो है वो शो होगा, दिखाई देगा हमको, ठीक है? तो आई होप आप दूसरा वाला पॉइंट भी समझ गए होंगे, ठीक है? अब देखो बात करते हैं तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर। तीसरा वाला क्या है? टेस्ट या स्मेल, ठीक है? तो इनका टेस्ट क्या है? इनका टेस्ट है स्वीट स्मेल, ठीक है? स्वीट स्मेल। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए, बस इतना समझो, नोट कर लो, ठीक है? अब देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये भी डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक तो हाइड्रोकार्बन की चेन के ऊपर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर, ठीक है? मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से चीज़ों को लिखना, अच्छे से बढ़िया करके नोट्स बनाना, ठीक है? हाइड्रोकार्बन चेन, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? हेलोजन एटम साइज ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है? ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो हाइड्रोकार्बन की चेन पे और साइज ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है? अब देखो हम लोग टेबल में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाइलोजन एटम का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है? क्योंकि इनकी सेल्स बढ़ने लगती हैं, ठीक है, या पीरियड नंबर बढ़ने लगता है तो साइज जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो हेलोजन एटम का साइज जो है वो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर साइज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है? और हाइड्रोकार्बन की चेन जितनी लंबी होगी, मान लो यहाँ पे तीन कार्बन लगे हैं, ठीक है, मान लो तीन कार्बन लगे हुए हैं और यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा है जिसका साइज जो है वो इसका छोटा है। अब यहीं पे मान लो कार्बन की चेन जो है वो तीन ही कार्बन की है, लेकिन यहाँ पे आयोडीन लगा है जिसका साइज जो है वो बड़ा है, इसका इससे छोटा है आयोडीन की कंपेयर में, ठीक है? तो यहाँ पे मोलिकुलर वो सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा, ठीक है? क्योंकि इनके बीच जो बॉन्ड बना है, वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है के बीच जो बॉन्ड बना है वो ज़्यादा मजबूत है, ठीक है? तो इसको हम लोग तोड़ने के लिए यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है? समझ गए? बहुत बढ़िया, आई होप आपके समझ में आया होगा फोर वाला एग्जाम्पल। ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, आप टेंशन ना लो, इसमें कुछ नहीं होता, बस अच्छे से नोट्स बनाओ, चीज़ों को नोट कर लो, और जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखो, ध्यान रखो, बस कॉपी पे नोट करो, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अब देखो ये फाइव वाला पॉइंट जो है वो डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है, लेकिन इसकी डेंसिटी भी डिपेंड करती है मोलिकुलर वेट पे, ठीक है? अगर कार्बन की चैन जो है, हाइड्रोकार्बन की चैन जो है वो ज़्यादा लंबी है तो इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा, ठीक है? तो इसमें हम लोग कह सकते हैं इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी भी तो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। भाई यार जब ये चीज़ बताओ, कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा या कम कम वाले की ज़्यादा होगी, बताओ? यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो कम है। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ज़्यादा प्रेजेंट है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हैं तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी ना। डेंसिटी हम लोग डेंसिटी किसको कहते हैं, डेंसिटी घनत्व को कहते हैं, ठीक है। जो जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगी उसी को हम लोग कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा, कार्बन हाइड्रोकार्बन की चैन बढ़ेगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। समझो चीज़ों को, इस पर भी लिख लो, डिपेंड ऑन द मॉलिकुलर वेट, ठीक है। अगर मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो इसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, लाइटली सोल्यूबल इन वाटर but soluble in organic solutions, ठीक है, easily, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो यहाँ पे कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में जो है वो कम सोल्यूबल होते हैं हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स, और सोल्यूबल ज़्यादा सोल्यूबल किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सोल्यूशन में, ठीक है, कार्बनिक विलायक में, ठीक है, समझ गए। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो ये जो हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स जो होंगे वो वाटर में अगर डिजोल्व होंगे, ठीक है, तो इनके बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और जब दोबारा इनके बॉन्ड फॉर्म होंगे बनेंगे तो वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे, ठीक है, किसके कंपेयर में, ऑर्गेनिक सोल्यूशन में हम लोग इसको डिजोल्व करें हेलो एल्किन्स या हेलो एरिन्स के कोई भी मॉलिक्यूल को, तो उसके बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेक होंगे, और जब दोबारा फॉर्म होंगे तो वो इसके अकॉर्डिंग जो वाटर में बने हुए बॉन्ड फॉर्म हुए थे दोबारा से उसके कंपेयर में ये ज़्यादा मजबूत होंगे, ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिक सोल्यूशन में ये हाईली सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।